11:15 हो रहा है अभी, उसको पापड़ खाने का मन है, क्या बोलेगा इसको। बेसिकली इंडियन का थोड़ा सा फ्राइड राइस बच गया था, वो वाला को अभी गर्म करूँगा करके मैं खा लूँगा, वो सिर्फ मेरे लिए बचा है, पीयू तो आज नहीं खाएगा, उसका थोड़ा तबीयत डाउन है करके वो अभी नहीं खाएगा, सो अभी मैं गर्म करके इसको खा लूँगा, मेरे को बहुत जो का भूख लग रहा है। उसके साथ वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बेसिकली कुछ खाना बचा था, वो सबको मिला के ऐसे हो गया कि राजमा चावल की तरह बन गया, सो ये वाला अभी खाऊंगा मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला डिश। बेसिकली ये थोड़ा अलग है, जो ओरिजिनल है वो सिर्फ राजमा ही रहता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बच गया था, सब कुछ मिला जुला के मैंने बना लिया, अभी ये फ्राइड राइस के साथ ये वाला खाऊंगा, जो वन टाइम आप सोच लो कि राजमा चावल है। कब भूख लगा मैं पहले खा लेता हूँ, उसके बाद ये ब्लॉग को एडिट में मैं बैठता हूँ, लेकिन बहुत पेंडिंग हो गया है, 2 दिन का गैप हो गया है, वो 2 दिन का गैप फुलफिल करना है, सो अच्छा वाला ब्लॉग आएगा। ये ब्लॉग तो बाद में आएगा, अभी जो शूट हो रहा है ये ब्लॉग बाद में आएगा, इससे पहले वाला जो ब्लॉग है इसमें तो मैं अपना 100% दे दिया भाई, सो इसमें भी अपना 100% दूंगा, अभी से जितना ब्लॉग आएगा उसमें मैं अपना खुद का 100% मैं दूंगा और दूंगा ही। सो एज़ पर गूगल अभी जो वेदर है अंदमान का 23 एंड इट्स फील लाइक अराउंड 19। वेदर जो है बहुत ठंडा लग रहा है, मतलब इतना ठंड, ऐसा ठंड वाला वेदर मैं अंदमान में बहुत ही कम देखा है। मैं जो भी इतना भी ब्लॉग में रात को शूट करता हूँ, मैं हर वक्त बोलता हूँ कि इतना ठंड मैंने पहला बार अंदमान में देखा है, सब इसके पहले इतना ठंड नहीं होता था, मतलब यहाँ पे 19 डिग्री, मतलब सोचना पड़ता था कि इतना ठंड कैसे हो रहा है। रात को भी गर्म लगता था, लिटरली मैं गर्म को गर्म लगता था, मतलब ये अभी जो ये पहना ना ये भी पहनना नहीं पड़ता था, ऐसे ही सो जाता था, वो भी मतलब पसीना पसीना हो जाता था। लेकिन अभी दिमाग में किस चीज़ का प्रेशर है पता नहीं, ये वाला डब्बा को लेके मैं एक बार किचन में जा रहा हूँ, एक बार यहाँ आ रहा हूँ, एक बार किचन में जा रहा हूँ, एक बार यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू मेरे हाथ में ही है ये वाला डब्बा, मेरे को रखना है वहाँ पे, लेकिन मैं पूरा भूल ही गया हूँ ये मेरा हाथ में, बाकी सब काम हो रहा है, फ़ोन एक जगह से और एक जगह, ये जो लॉक है ये वाला लॉक एक जगह से और एक जगह, सब हो रहा है, लेकिन ये मेरा ये हाथ में ही अटका के मैं रखा है, रख के मैं इधर उधर घूम रहा है। सो बेसिकली खाना हो गया है ख़त्म, टेबल भी मैंने पोज दिया, इन लोगों का भी खाना देना हो गया है कम्प्लीट, इन लोगों का पाम ऑलरेडी चला दिया है, एयर पम्प जो है चला दिया है, इन लोगों का पानी में बहुत सारा ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ है अवेलेबल, सो प्रॉब्लम नहीं है, रात को इन लोगों का एयर पम्प चलाना नहीं है, अभी जैसा है अच्छा है ठीक है। पानी तो कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था, संडे को मैंने क्लीन किया था पानी, तो अभी ठीक है, पानी और क्लीन करना नहीं है। टाइम 10:30 हो रहा है, सो एडिट करते हुए मेरा 11:30 हो जाएगा, तो व्लॉग जो है वो कल सुबह 9 बजे या 9:30 बजे तक पहला व्लॉग आ जाएगा, उसके बाद ये वाला जो अभी बन रहा है ये नेक्स्ट डे आएगा, मतलब। तो अभी एडिट करने बैठने के टाइम मेरे को एक चीज़ पता चला कि जब भी मैं वीडियो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा था, मतलब इसमें कनेक्शन करके कॉपी करके इसमें पेस्ट कर रहा था, तो वो टाइम में कुछ फाइल जो था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ये वीडियो में जान डालने वाला ऐसा वाला वीडियो था, वो वाला वीडियो हो गया है डिलीट, तो बाकी का जो वीडियो नेक्स्ट डे सुबह का जो वीडियो है वो वीडियो मेरे पास है, उससे पहले वाला वीडियो दूसरा फोल्डर बन गया, उसमें आ गया, सो वो वाला फोल्डर में क्या सोचा कि पुराना वाला वीडियो है करके वो वाला डिलीट कर दिया, सो वो वाला वीडियो हो गया है डिलीट, और यहाँ पे नया वाला जो आज सुबह से जो बना वो वाला आ गया, मतलब आज सुबह का बोल सकते हो वीडियो है, इससे पहले वाला जो वीडियो था जो बना है इसमें वीडियो ओरिजिनली जैसे मैंने बोला कि 100% दिया जान डाल दिया, तो वैसा वाला वीडियो उसमें था, तो वाला डिलीट हो गया, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। अभी पता नहीं है वाला वीडियो कैसा होगा, मेरे को तो लगता है, मेरे को लगा कि अच्छा है, चलो देखते हैं, डाल देते हैं वाला वीडियो, ज़्यादा नहीं बना है, शायद से मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो है, उसको लाइक करो शेयर करो, क्या कर सकता हूँ मैं, अच्छा वाला। बेसिकली ब्लॉग एडिट हो गया है कंप्लीट, यहाँ पे ब्लॉग अभी रेंडरिंग चल रहा है, वो वाला एडिट होके कंप्लीट हो गया, अभी सिर्फ सेव हो रहा है फाइल, सो अभी सेव जब तक होगा तब तक मैं किचन में जाता हूँ। अभी प्यू को अभी अचानक से वो वीडियो देख रहा था, वहाँ पे किसी को देखा शायद से पापड़ खाने का वीडियो दिखा रहा था करके, सो उसको देख के उसको भी मन हुआ कि अभी पापड़ खाना है, सो अभी मेरे को पापड़ थोड़ा मतलब तेल में फ्राई नहीं करना है, उसको थोड़ा सा आँच में थोड़ा सा सेकना है, वो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्टी, और उसको वही पसंद है, मेरे को भी बेसिकली वो वाला ही पसंद है, लिखना हो गया था अभी उसको देना है, उसको अचानक से उसको ये मिला कि अभी उसको पापड़ खाना है करके, रात को 11 बजे उसको मालूम पड़ा उसको खाना है करके, क्या बोलेगा।
कैसे रात को 11 बज रहा है अभी, 11:15 हो रहा है अभी, उसको पापड़ खाने का मन है, क्या बोलेगा इसको? कुछ नहीं बोल सकते ना, बीवी है खुद का, कुछ नहीं बोल सकते। 9:15 ऑलरेडी हो गया है, आँख इसीलिए नहीं खुल रहा है कि बाहर इतना धूप दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी गर्मी इतना, मतलब जो एटमोसफेयर होके रखा है वो थोड़ा हल्का स्लाइटली, मतलब कूल कूल वेदर होके रखा है घर के अंदर से, इसलिए आँख तो नहीं खुल रहा है। सो के पड़ा हूँ मैं एकदम से, सो अभी उठूँगा क्यों, तो ऑलरेडी उठ गया है क्योंकि उसका ऑफिस है, उसको जाना है, इसलिए वो रेडी हो रहा है। मैं अभी उठूँगा, रेडी हूँगा, रेडी होने के बाद मेरे को जाना होगा फिर को छोड़ने के लिए, टिफ़िन बनाना है, डेली का जो प्राइम टिफिन बनाना है फिर को छोड़ना है। अभी जस्ट मैं फ्रेशन अप होके आया, ब्रश फ्रेश करके मैं आ गया। सो अभी जैसे बाहर का इतना धूप धूप दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर अभी वेदर थोड़ा सा कूल कूल है। अभी एज पर गूगल के हिसाब से जो वेदर है बाहर वो 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील लाइक 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ा सा ठंडा हवा है करके, अभी उतना धूप का ये नहीं है, नहीं तो अभी गर्मी लगता लिटरली। तो अभी फैन बंद करके रखा है, मतलब वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा है। लेकिन प्यू को छोड़ के आऊँगा, उसके पहले मैं अभी टिफ़िन बना लेता हूँ और मेरा सुबह का जो प्रोटीन शेक है वो वाला मैं बना लेता हूँ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे टिफ़िन बन रहा है, प्यू का ऑलरेडी बना दिया और मेरा वाला यहाँ पे बन रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि हम लोग आधा आधा काम करते हैं, तो अभी प्यू यहाँ पे जैसे पोछा लगा रहा है घर पे, प्यू यहाँ पे पोछा लगा रहा है और मेरा काम है यहाँ पे किचन में खाना पकाना, क्योंकि उसको आता है लेकिन थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है। सो इसीलिए मैं किचन का पूरा सामान लेता हूँ, वो पूरा घर का सामान लेता है। हम लोग टिफ़िन करेंगे और इन लोगों को कुछ खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो अपन अभी क्या करेंगे, इन लोगों को, इन लोगों का जो खाना है वो अभी दे देगा इन लोगों को, तो अभी इन लोगों को दे देता हूँ और हम लोग भी यहाँ पे टिफ़िन कर लेते हैं। तो लॉकडाउन होने के बाद जो मेरा डेली ड्यूटी रहता था प्यू को छोड़ने जाना, प्यू को छोड़ के आ गया मैं घर में। अभी आने के बाद अभी कल जो ब्लॉग मैंने रात को एडिट किया वो वाला ब्लॉग को मेरे को अभी रिलीज़ करना है, वो वाला ब्लॉग को अभी छोड़ दूंगा मैं यूट्यूब पर। वो वाला ब्लॉग को देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। और इसके बाद में धीरे धीरे करके किचन में जाएगा, दोपहर का खाना पकाएगा और थोड़ा नेटफ्लिक्स पे चिल आउट करेगा। थोड़ा सा सोचा कि नेटफ्लिक्स में थोड़ा सा मूवी देखूंगा प्यू को छोड़ के आने के बाद। अभी नेटफ्लिक्स में बैठा तो उसके बाद भी 2 से 3 बार कारंट ही चला गया, मतलब लोड शेडिंग और लोड शेडिंग। अभी बारी बारी में, मतलब आएगा 1-2 घंटा रहेगा फिर चला जाएगा, आएगा 2 घंटा रहेगा फिर चला जाएगा। प्रॉब्लम इसीलिए होता है, एक तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, अगर नेटवर्क आता तो फ़ोन का नेट से भी मैं देख सकता था नेटफ्लिक्स, नहीं तो प्रॉब्लम यही हो जाता है कि यहाँ पे नेट नहीं आता तो वाईफाई चलता है। अभी मेरा वाईफाई के लिए तो मेरे को घर का लाइट तो चाहिए, घर का करंट इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर चला जाएगा तो मैं कैसे नेटफ्लिक्स देखा। बेसिकली अभी अभी मैं प्यू को ऑफिस से लाया, लाने के बाद मेरा भी ऑफिस का काम खत्म हो गया, मैं भी घर पे आया। आने के बाद अभी रात का खाना क्या होगा नहीं होगा कुछ तो ठीक करना पड़ेगा, पता नहीं अभी रात का खाना क्या बनेगा। शायद से आज पोहा बना सकता हूँ, बहुत दिन से पोहा खाया नहीं तो अभी पोहा खाने का थोड़ा मन कर रहा है, सो शायद से आज पोहा बनाऊँगा। और ये ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूँगा क्योंकि इसके बाद नया वाला ब्लॉग मेरे को बनाना है। सो ये ब्लॉग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, चैनल को देखते रहो। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, गुड नाइट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग।